काली मिर्च चाहिए 1 टीस्पून, और मुझे नमक चाहिए हसबे जायका, और मैंने मायोनीज ली है 4 टेबलस्पून, और मैंने टमाटर लिया है एक छोटा सा, उसके बीज निकाल के मैंने इसको बारीक बारीक काट लिया है। गाजर मैंने ली है थोड़ा सा टुकड़ा, जैसे 2 टेबलस्पून है, ये देखें इसको मैंने कितना बारीक सा काट लिया है। हरा धनिया चाहिए मुझे 1 टेबलस्पून, प्याज मैंने ऑप्शनल है, अगर आपको चाहिए तो डाल सकते हैं, ना चाहे तो ना डालें। शिमला मैंने ली है 1 अदद, उसके भी मैंने बीज निकाल के उसको भी मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया। तो अंडे जी, अंडे मुझे चाहिए 4 अदद, और मैंने ब्रेड ली है, सैंडविच ब्रेड ली है मैंने। तो ये आपने सैंडविच, ये मैं अंडा लूँगी, इसको दरमियान में से मैं हाफ़ करके इसमें से ये हम जर्दी निकाल लेंगे, इसको अलग रख लेंगे। ये मैंने एक बाउल ली है, ये जर्दी मैंने इसमें डाल दी है, ये देखें इसको मैं अच्छे से इसे मैश कर लूँगी। ये देखें, अब हम ये देखें इसमें मैं 1/2 टीस्पून काली मिर्च डाल दूँगी। हाफ टी स्पून इसमें मैं नमक डाल दूंगी। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। ये मैंने गाजर ली है, देखें 2 टेबलस्पून है, ये कच्ची गाजर है, कच्ची सब्जियां सेहत के लिए बहुत अच्छी होती हैं, ये मैं डाली और इससे खूबसूरती बड़ी अच्छी आएगी हमारे सैंडविच की। ये मैंने हरा धनिया डाल दिया, ये इसमें मैंने प्याज डाला है, प्याज का टेस्ट बहुत अच्छा आता है इसमें। ये मैंने शिमला डाल दी है, ये मैंने टमाटर डाल दिया, टमाटर में से मैंने बीज निकाल के तो फिर इसकी मैंने ये कटिंग की है, ये छोटा सा एक टमाटर था, साथ ही मैं इसमें मायोनीज डाल दूंगी। ये अच्छे से साफ कर देंगे हम। ये देखें इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूंगी, इसको मैं साइड पे रखती हूँ। ये हमारे पास ये अंडे की सफ़ेदी है, इसको भी हम अच्छे से कांटे की मदद से अच्छे से मैश कर लिया। ये देखें, ये बहुत अच्छा और ये मज़े के बनते हैं, ये बच्चों को लंच बॉक्स में भी दें, बच्चे इसे बहुत पसंद करेंगे, और ये हेल्दी है। ये देखें, ये भी हम इसके अंदर डाल देंगे। ये देखें कितना अच्छा इसका कलर आया। ये देखें कितना अच्छा सा इसका कलर आया। ये देखें, इसे सैंडविच हमारे बहुत खूबसूरत बनेंगे। सैंडविच ब्रेड लिए, सैंडविच ब्रेड लेके इसके हम ये जो ब्राउन किनारे हैं वो साफ कर लेंगे। हमने ये नाइफ ली है, इससे बहुत अच्छी कटिंग होती है। ये देखें, जिसके हम किनारे साफ कर लेंगे। ये जो हमने इसके ब्राउन किनारे उतारे हैं, अगर आप चाहें तो इसको
ब्लेंडर में, ब्लेंडर के जग में डाल के इसको आप मिक्स करें, और मिक्स करके इसकी आप ब्रेड क्रम्स भी बना सकते हैं, और इसको भिगो के आटे में डाल दें, और आप इसे आटे में भी मिक्स कर सकते हैं, इसको ज़ाया ना करें। जी ये देखें, अब ये हमारी ब्रेड सैंडविच के लिए तैयार हो गई है। ये देखें, अब हम इस पर ये अच्छे से लगा देंगे, इसको डाल के ऊपर से फैला दें अच्छे से। ये देखें, दूसरी ब्रेड इसके ऊपर रख दें। ये एक हम डिश ले लेते हैं, ये इसमें रख देंगे। इसी तरह हम ये सारे सैंडविच पे लगा लेते हैं। जी ये देखें, ये मैंने सारे सैंडविच बना लिए हैं। अब मैं इसको रख के ऐसे, ये देखें, इसकी मैं कटिंग कर लूँगी। ये देखें कितने अच्छे से ये बन गए हैं, लेकिन मैं ये छोटी वाली कटिंग करूँगी। ये मैं इसे डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। ये देखें कितने हरे बड़े मेरे सैंडविच बनके तैयार हो गए हैं। ये देखें,